दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गेश चौधरी जी। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड, जिसमें हम बात करेंगे डिवीजन प्रेफरेंस के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी जून के महीने में आप सबसे सर्कल का प्रेफरेंस मांगा गया था, जो कि अभी लगभग 2 महीने बाद आपका अलॉटमेंट हो चुका है। और फाइनली अभी सबके सर्कल अलॉटमेंट आ चुके हैं और आपको मालूम पड़ गया आपको कौन सा सर्कल मिला है। साथ ही आपको ये भी मालूम पड़ा है कि आपके सर्कल में आपकी रैंक क्या है, ठीक है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, किसी को मिला है होम सर्किल, किसी को मिला है बाहर, तो जिनको होम सर्किल मिला है बहुत खुश हैं और जिनको बाहर मिला है थोड़ा सा दुखी हैं, थोड़ा सा निराश हैं इस चीज़ को लेके कि यार मुझे दूर जाना पड़ेगा। दोस्तों, आप निराश ना हो, आपने बड़ी मेहनत करी है, बड़ी मेहनत से आपने एसएससी क्रैक किया है, बहुत रातें गाली करी हैं, तो आप इस चीज़ को लेकर परेशान ना हो कि आपको ऐसा पोस्टिंग दूर मिला है क्या नहीं मिला है। हम भी मुंबई में जॉब कर रहे हैं और रहने वाले मैं यूपी का हूँ, मथुरा का, तो आप भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही आपको मौका मिलेगा नया कल्चर एडवेंचर करने का, नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का, ठीक है, नई ट्रेडिशंस देखने का, सीखने का। तो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि अभी ट्रांसफ़र का रूल भी काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गया है, तो ट्रांसफ़र भी बाद में आपका हो ही जाएगा, ठीक है। दोस्तों, अभी बात करेंगे हम डिवीजन प्रेफरेंस के बारे में कि अभी आपको आगे क्या करना है, अभी इसमें आगे क्या होगा। तो जब दोस्तों हमारा 17 में सिलेक्शन हुआ था मेरा, तो मेरा जब सर्कल का अलॉटमेंट हुआ था उसके लगभग 1 महीने के अंदर हमारा डिवीजन का प्रेफरेंस फॉर्म आउट हुआ था। तो आपका भी मान सकते हैं कि कम से कम 15 से 20 दिन तो लग जाएगा डिवीजन प्रेफरेंस फॉर्म आने में, हो सकता है 10 से 15 दिन के अंदर आ जाए और मैक्सिमम आपका 1 महीना भी लग सकता है, महीने भर के अंदर, लेकिन आप मैक्सिमम मानो तो 1 महीने के अंदर आपका डिवीजन प्रेफरेंस का फॉर्म आ जाएगा, 10 से 15 दिन के भीतर भी आ सकता है। दोस्तों, अभी करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा इंतज़ार, और ये इंतज़ार आपका वेस्ट नहीं जाएगा। इस इंतजार में आपको करना है कि जो भी आप प्रेफरेंस देने वाले हैं, आप उन पोस्ट के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें कि आपको पीए सेलेक्ट करना है, आपको एसएस सेलेक्ट करना है, आपके जो भी रिसोर्सेज हैं आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें कि कौन सी जॉब आपके लिए बेटर रहेगी, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं। वैसे मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाया है कि पीए एसए में से कौन सी बेटर है, आपको कहाँ पर क्या बेनिफिट मिलेगा, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इतने पीरियड में आप इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करें और पता करें कि कौन सी जॉब आपको चूज़ करनी है, ठीक है। इसमें आपकी रैंक भी मैटर करेगी, आपकी रैंक के हिसाब से आपको मिलेगा, फिर भी अपनी चॉइस तो आपने दे ही सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आपके लिए कुछ छोटे छोटे सजेशन रहेंगे 3-4, जो आप डिवीजन प्रेफरेंस का फॉर्म भरो तो आपको दिमाग में रखने, थोड़ा सा याद रखने, हालांकि ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं जो आगे जाके आप बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। कि जॉब के बाद फिर आप सोचते हैं अगर यार ऐसा हो गया, वो करते ठीक रहता, अभी फंस गए ये वो, अभी क्या करें, तो बाद में फिर आपको ऑप्शन नहीं मिलता ना, तो वो चीज़ आप अभी कर सकते हैं। जितना भी टाइम आपको मिला है पूरा इसको यूटिलाइज करें, अपने सर्च करने में, इसको चीज़ों के बारे में जानने में कि क्या सही है क्या गलत है। तो गाइस, अभी शुरू करते हैं। तो जैसे आपका प्रेफरेंस का फॉर्म आएगा तो उसमें आपसे 3-4 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, आपका नाम, आपके रोल नंबर आपका, और आपका सीएचएसएल की रैंक, आप किस कैटेगरी सेलेक्ट हुए हैं, और नीचे आपके 14-15 पॉइंट रहेंगे जिसमें अपनी प्रेफरेंस डालेंगे और सिग्नेचर वो आपको भेज देना है। मेरा प्रेफरेंस फॉर्म भी है, मेरा वहीं रखा हुआ है, मैं ढूंढूंगा आज उसको, जैसे वो मेरे को मिलता है तो मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा कि मेरा प्रेफरेंस फॉर्म कैसा था और मेरी प्रेफरेंसेस क्या क्या थी उसमें, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको, अभी मेरे को मिला नहीं है, तो आप उसके लिए देखते रहें। दोस्तों, पहली बात आपको ध्यान करने वाली ये है कि जब तक आपके प्रेफरेंस फॉर्म आते हैं तब तक अपना पूरा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें, जैसे मैं बता चुका हूँ, और आप अच्छे से आप माइंड मेकअप कर लें कि आपको पीए लेना है कि ऐसे लेना है। इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि जो कैडर आपको एक बार मिल गया आपको लाइफ टाइम उसी में रहना है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर वो पीए मिला है तो आपको पीए में करना पड़ेगा, और आपको सॉर्टिंग असिस्टेंट मिला है तो फिर आपको सॉर्टिंग असिस्टेंट में ही करना पड़ेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते एक बार अलॉट होने के बाद में। तो इसको आप पहले से अच्छे से आप डिसाइड कर लें आपको क्या चाहिए, ठीक है, अपनी रैंक के हिसाब से। आपकी रैंक से आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको क्या मिलने वाला है, क्योंकि इसमें सर्किल की वैकेंसी भी दिखाता है कि इतनी वैकेंसी यहाँ पे है, इतनी इस पे है, ऊपर से आपकी रैंक भी दिखाता है, तो आपको लगभग काफ़ी हद तक आइडिया लग गया होगा कि आपको आपकी प्रेफरेंस मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो डिसाइड कर लें पीएससी में से आपको क्या लेना है, बाद में चक्कर में नहीं फंसना, ठीक है। लेकिन मेरी तरफ से अगर मैं आपको बताऊँ तो आप ऐसे लोगे तो आपके पास 2-3 ऑप्शन रहेंगे, एक तो एयर मेल का ऑप्शन रहेगा, एक आरएमएस का ऑप्शन रहेगा। एयर मेल में क्या आपको पोस्टिंग सिटीज़ में मिलेगी, क्योंकि एयरपोर्ट सिटीज़ में होते हैं, एक सिटी में आपको पोस्टिंग मिलेगी। लेकिन आप आरएमएस लेंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिल जाएगी, छोटे मोटे टाउन में तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट होगा आपको वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। और डे नाइट का आपको सब पता ही है। और आप पीए लेंगे तो आपको कई ऑप्शन रहते हैं, पीए पोस्ट ऑफिस में रहता है, एसबीसीओ में रहता है, फॉरेन पोस्ट ऑफिस में रहता है, आरएलओ में रहता है, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास रहते हैं। इन पर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, इन सब के बारे में बताऊंगा किस में क्या रहता है, ठीक है। तो फिलहाल उसमें लेकिन सब में डे शिफ्ट रहती है, तो वो आप अपने हिसाब से चॉइस कर लें। दूसरी बात जो ध्यान करने वाली है वो ये है दोस्तों, आपको जो सर्किल मिला है और आप जिस स्टेट के रहने वाले हो तो आप वहाँ से डिस्टेंस देख के थोड़ा प्रेफर करें डिवीज़न उस सर्किल में। जैसे मान लो मैं यूपी का रहने वाला हूँ,
सपोज करो मेरे को राजस्थान का सर्किल मिला, तो राजस्थान सर्किल में मेरे जो नियर बाई मेरे को डिवीजन पड़ेगा वो डिवीजन पड़ेगा भरतपुर, शायद कोटा, ये डिवीजन मेरे को नियर बाई पड़ेगा, बाउंड्री के पास है यूपी के। लेकिन अगर मैं डिवीजन भर दूंगा अजमेर, मेरे को नहीं मालूम होगा तो अजमेर फिर क्या फायदा, मेरे बहुत दूर पड़ेगा। तो अगर आपका सर्किल आपके नियर बाई मिला है तो आप उसमें ये चीज़ देखें कौन सा डिवीजन आपको पास पड़ेगा, अब वो पहले भरें, फिर आप पीएसए के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि पास में रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। बाकी आपकी इच्छा के ऊपर है, आपको जॉब में अच्छा चाहिए या आपको पास में चाहिए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये कि आप जो भी डिवीज़न डालने वाले हैं आप वहाँ से एक बार कनेक्टिविटी ज़रूर देख लें कि जो आप डिवीज़न जाने वाले हो वहाँ आपका आपके होम टाउन से जाने का कनेक्शन कैसा है, ट्रेन वगैरह अवेलेबल है कि नहीं, फ़्लाइट वगैरह का मतलब रूट क्या है। क्योंकि मेरे कई सारे फ्रेंड हैं जो पोस्ट ऑफिस में उन्होंने मतलब रेफरेंस लिया था, तो कुछ कोल्हापुर में कोई कहीं है, तो जब भी वो घर जाते हैं तो कम से कम 5-6 घंटे का ट्रैवल तो खाली रेलवे स्टेशन आने के लिए, एयरपोर्ट जाने के लिए करते हैं वो 5-6 घंटे, वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ के फिर वहाँ जाते हैं, तो काफ़ी मतलब उनको वो करना पड़ता है। तो आप कनेक्टिविटी भी देखें कि जो डिवीज़न आप जाने वाले हो वहाँ से आपकी डायरेक्ट मतलब ट्रेन वगैरह हैं कि नहीं, या नहीं है तो मतलब क्या रूट है जाने का, कि बाद में बहुत दिक्कतें होती हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको वो ही बता सकता है जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है और उन चीज़ों को फेस कर रहा है, हर इंसान आपको ये नहीं बता पाएगा, ठीक है। जो चीज़ें मैंने फेस की या मेरे साथ के बंदे फेस कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, तो छोटी छोटी बातें इनका आप ध्यान रखें। और बाकी नई जगह जाओगे तो आपको नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, बढ़िया रहेगा, बिल्कुल परेशान ना हो। तो यहाँ दोस्तों जो पीए चूज़ करेंगे, जो पोस्ट ऑफिस में चूज़ करेंगे पीए इन पीओ, तो उनको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो होती हैं वो छोटे मोटे टाउन्स में भी होती हैं, तो वहाँ आपकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तो भी आपको वहाँ जॉब करनी पड़ेगी पोस्ट ऑफिस में। तो जो पीए चूज़ करेंगे उनको थोड़ा सा वहाँ पर लॉस होगा, हालांकि आपकी रैंक अच्छी है तो आप कोई अच्छा अपनी मर्जी से डिवीज़न ले सकते हैं, लेकिन जिनकी रैंक लो है तो वो थोड़ा सा इसका नुकसान उठाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर होके जाएँ कि आपको वो सर्किल के अंदर कोई ऐसी जगह भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है जहाँ से कनेक्टिविटी थोड़ी सी आपकी बेकार होगी, लेकिन फिर भी आपको जॉब करनी पड़ेगी। तो आपको लेकिन दोस्तों अभी ट्रांसफ़र का बहुत अच्छा हो गया है इसमें, एक साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसी वैकेंसी खाली होती है तुरंत आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो, कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मेरे को इंस्टा मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि हमने जब प्रेफरेंस फॉर्म भरा था तो हमें कोई इतना गाइड करने वाला नहीं था, जो हमें ठीक लगा हमने भर दिया, जैसा अच्छा लगा, ये डिवीज़न वो शॉर्टिंग ये शॉर्टिंग पी ए कुछ हमको मालूम नहीं था, यूट्यूब पे ऐसे कोई ज़्यादा बताने वाले भी लोग नहीं थे, तो जो हमको ठीक लगा हमने भर दिया। लेकिन आज आपके पास ऑप्शन है, आपको बताने वाले बहुत बैठे हैं, मैं भी हूँ, कोई भी चीज़ आपको पूछनी है बिल्कुल आप मेरे को इंस्टा मैसेज डाल के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्रेफरेंस आप भरें, और नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आने वाला हूँ अपने डिवीज़न प्रेफरेंस फॉर्म को दिखाऊंगा उसमें मैंने क्या भरा था, और साथ में मैं ये भी बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियोस में कि एयर मेल में और आरएमएस में क्या डिफरेंस होता है। बहुत बच्चे कन्फ्यूज हैं कि एयर मेल लें कि आरएमएस लें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बताने वाला हूँ। वीडियो कैसी रही आप ज़रूर बताएं, बस में कोई डाउट हो पूछें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।